फ्रेंड्स, अभी हम पहुंचे नारायण हिती प्लेस के पास, पैलेस के पास। ये यहाँ के राजा का पूरी मूर्ति लगा रखी है यहाँ पर, और इसके जस्ट सामने वह नारायण हिती पैलेस है जिसका इतिहास काफ़ी रोचक रहा है। जो नेपाल के राजा हुआ करते थे वो नारायण हिती में रहा करते थे, और यहाँ पर शाह और राणा राजाओं की लड़ाइयाँ होती रही है। इसके पहले यहाँ मल्ल और भी राजाओं ने राज किया है। जो काठमांडू वैली है यहाँ पर पहले झील हुआ करती थी, तो उसको सुखा कर यहाँ पर एक सिटी बनाई गई, और उसके बाद यहाँ राज शुरू हुआ राजाओं का। तो राजा महेंद्र थे, उनके तीन पुत्र थे, किंग ज्ञानेंद्र, वीरेंद्र और एक और राजकुमार थे किंग। वीरेंद्र की हत्या हो गई, ज्ञानेंद्र अभी वर्तमान में हैं, और एक उनके जो ब्रदर थे उनकी भी हत्या हो गई, उनका भी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो जो नारायण हिती पैलेस है उसमें जो किंग वीरेंद्र थे उनकी पूरी फैमिली का मैसेकर हुआ था। तो मैसेकर इसी पैलेस में हुआ था, जैसा कि बाहर आउटर सोर्सेस मीडिया में बताया गया कि प्रिंस दीपेंद्र ने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया, और स्वयं भी शॉर्ट होने के बाद पूरी फैमिली एक साथ साफ हो गई। तो इस तरह का इतिहास रहा। उसके पहले भी यहाँ पर एक जो पुराने राजा थे उनमें से एक बार पूरे राज्य के जितने भी मंत्री थे उनका पूरा एक रानी ने मर्डर करवा दिया था। नेपाल के जो इतिहास है उसमें ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं कि किस तरह से राज्यों का अंत हुआ। ऐसा भी बताते हैं कि जो शाह फैमिली थी उसकी दसवीं पीढ़ी पर एक कर्ज था जो एक ऋषि ने दिया था कि तुम्हारी दसवीं पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। और वीरेंद्र की मृत्यु के बाद किंग ज्ञानेंद्र बने राजा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी उथल पुथल भरा माहौल रहा, और लास्ट में उनको डिपोज करके फुल डेमोक्रेसी डिक्लेयर कर दी गई। तो अभी नेपाल में डेमोक्रेसी चल रही है सिंस नारायण हिती पैलेस इज़ आल्सो अ म्यूज़ियम। चूँकि अभी यहाँ पर दशहरा का पर्व चल रहा है नारायण नेपाल में, दशहरा काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्व होता है, इसलिए हो सकता है वो म्यूज़ियम बंद हो। लेकिन जब हम नेपाल आए हैं तो नारायण हिती पैलेस हमारा देखना बनता है, काफ़ी हिस्टोरिकल पैलेस है। होल वर्ल्ड गॉट अ शॉक व्हेन द न्यूज स्प्रेड ऑफ मैसेकर ऑफ वीरेंद्र विक्रम सिंह्स फैमिली। People still do not believe that Prince Dipender killed his entire family. और ये King's Lounge, important street है नेपाल की, दरबार सिनेमैक्स। स्पोर्ट्स बाय वन गेट वन फ्री KTM सिटी। और यहाँ पर जो हमारे यहाँ ओला उबर चलता है, यहाँ पर पठाओ चलता है। पठाओ से आप बाइक्स और कार ले सकते हैं। किचन बिग शू सेल, फेस्टिवल डिस्काउंट, काफ़ी फेस्टिवल डिस्काउंट। प्रीमियम स्ट्रीट है ये, अभी शायद खुला हुआ है दरबार नारायण हिती पैलेस। सो लेट अस मूव देयर, डोंट थिंक इज ओपन,
बिकॉज पीपल आर नॉट गोइंग इन साइड. ये मॉल्स हैं. दिस इज कॉल्ड नारायण चौक. दरबार मार्ग. जब राजा यहाँ रहते होंगे तब ये बहुत शानदार रहता होगा, लेकिन अभी राजा नहीं है. इट इज ओपनड और नॉट वी डोंट नो. इट इज क्लोज एंड किटी पैलेस. This is the Narayan Hiti Palace Museum. This is the view from here. ये बंद है क्या? अभी नहीं बंद है? कितने दिनों तक बंद रहेगा? हाँ, नारायण हिति. और भी म्यूजियम है ना, सब म्यूजियम बंद है. नेशनल म्यूजियम है, नेपाली आर्ट म्यूजियम है, नारायण हिति पैलेस. भैया बंद है क्या सब? कब तक बंद है? 10 तारीख तक, दशहरे तक. और ये बाकी म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम, आर्ट म्यूजियम सब बंद है? पता नहीं. ये बंद है. तो इसमें क्या डिस्प्ले किया हुआ है? पैलेस में क्या होता है? पूरा पैलेस का. हाँ, इधर आसपास. और नेशनल म्यूजियम इधर ही है क्या कहीं? नेशनल म्यूजियम, नेशनल नेपाली म्यूजियम है ना? किधर है वो? हाँ नहीं, पैलेस है ये तो, उधर ही होगा. इधर आसपास कुछ नहीं और कुछ देखने का है क्या इधर आसपास? नहीं, कुछ हिस्टोरिकल. किधर है वो? इधर है. कितना दूर है? लंबा लगेगा टाइम गाड़ी में, तो गाड़ी से जाना बेटर. तो भाइयों यहाँ तो बंद है नारायण हिति पैलेस. ये हुआ करता था बहुत शानदार, मैजेस्टिक, लेकिन अभी सब कुछ बंद है. सो विद दिस वी विल गो टू पशुपतिनाथ. बाय.